जय हिंद जय महाराष्ट्र। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना के शास्त्री विश्राम ग्राम में, जिधर आज की विशेषता, आज ये खासकर मीटिंग ये रखी गई है CIB की, क्राइम इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो दिल्ली है, वो आज इनकी कार्यालय में आज मीटिंग है। खुसूसन पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि जनता की क्या सेवा आप कर सकते हैं, जनता के बारे में क्या विचारधारा कर सकते हैं। मैं इब्राहिम शेख, लाइफ ओके में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हमारे क्राइम इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अधिकारियों के पास। खुद ही ताकत है ना, जरूरत है। अगर 100 पदाधिकारी है ना अपने NACP ऑफिस में जाए, कैसे CP नहीं सुनता है? क्यों नहीं सुनेगा? आज इन लोगों का जो मैटर है सिटी कोऑपरेटिव बैंक वाले पे, इनका कोई बहुत बड़ा है सर, सीनियर सिटी का नहीं, बराबर है। दोस्त कितने बताए? 2000 मतलब 2100 के लगभग वो मेंबर्स है जिनके साथ फ्रॉड हुआ। किसी नहीं, 19000 लोग इसमें से 200 है ना, जो अगर मतलब 200 है ना, ये अभी क्या बोले कि 200 लोग है ना मंत्रालय में आने के लिए तैयार है, कैसे नहीं सुनेगा? हमको कोई पार्टी के विपक्ष में नहीं जाना है, बात यह है कि हमारे जो पास में पुलिस आ रहा है उसको कैसे हैंडल होंगे, कैसे उसका निपटारा करें, सब कोर्ट में चला गया तभी होगा, एक मीडिया में बहुत बड़ा काम होगा, कोई एक बड़ा मीडिया लेगा और लेगा। आपका सुनना, मेरा नाम है छाया, मैं भाजपा की कार्यकर्ता भी हूँ, महिला मोर्चा में हूँ, विधानसभा महिला मोर्चा, और मेरा खुद का भी ह्यूमन राइट्स कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और अभी क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफ बोर्ड में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सोच तो रही हूँ कि ये CIB को बहुत आगे तक बढ़ा दूँ, इसके लिए मेरे को पूरा मोटिवेशन यहाँ से मिल रहा है, मीटिंग होती रहती है, और यही मैं करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस हो जाए और लोगों तक ये पहुँचे कि हमारे क्राइम इन्वेस्टिगेशन बोर्ड क्या काम कर रहे हैं। जो जनता का विकास के बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, विकास तो हो ही रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग को इससे भी ज्यादा विकास करना है, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। हर स्कीम के बारे में मोदी जी हमारे हैं, जैसे हर स्कीम जो आती है वो हर पब्लिक के साथ नहीं, हर घर घर में ये सब योजना जानी चाहिए, और वो योजनाओं को लोगों को फायदा होना चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। तो अपनी योजना चल रही है, जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, किसी को उसके बारे में मालूम तक नहीं है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को यही ये है कि लेडी बोलती, तो मैं यही बोलूँगी कि हर घर घर में ये सब कुछ जाना चाहिए, और वो मैं खुद अपने एरिया में करती हूँ। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे CIB की तरफ से, माध्यम से? नमस्कार, मेरा नाम कौस्तुभ राउत, क्राइम इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पालघर जिला अध्यक्ष हूँ। लास्ट 3 साल से मैं ये संस्था से जुड़ा हूँ, और जो भी पालघर में डेवलपिंग हो रहा है उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे पुलिस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है
लाइफ ओके के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही बोलूँगा कि आप की लाइफ ओके हमारे इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। CIB के बारे में जो अभी जानकारी मिली है कि ये जो संस्था में काम करने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार से अभी आप काम को अंजाम देंगे? देखिए, हमारी CIB जो टीम है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन बोर्ड दिल्ली, ये एक NGO है। और इस NGO के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट कुछ काम नहीं कर रही है तो हम उनको फोर्स नहीं करते, हम उनको निवेदन करते कि ऐसे ऐसी जो तकलीफें हो रही है जिसमें आप नहीं कर रहे, वो हम उसको एकदम खुला मतलब आसान मार्ग देते हैं, इस तरह से आप कार्रवाई करो और लोगों को हमको न्याय देना है, बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मैं इब्राहिम शेख फिर मुलाकात होंगी एक नए किस्से के साथ और एक नई मुलाकात के साथ में। आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।